बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट 24/7 पे। आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी। वेलकम टू माय क्लास एवरीबॉडी। आज हम लोग जो हैं एक से दो क्लासेस में इंग्लिश इन इंडिया का टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। सो अगर हम इस टॉपिक को संभव आज ही कवर कर पाए तो कल से ही मैं PYQs लगवा दूंगी, वरना परसों से, दैट इज फ्राइडे से, ठीक है, हम लोग अपने PYQs, ठीक है, 2018 से करंट PYQs उठा लेंगे। आप लोग उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो, तो ज़रूर रेगुलरली प्रैक्टिस के लिए मेरे सेशंस में आ जाइएगा। साथ ही साथ मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि मेरा जो नया बैच है UGC का, वो लाइव है, जो टारगेट करेगा June 2023 अटेम्प्ट को, ठीक है। सीधा बता देती हूँ, इसका आपको डिस्काउंट के बाद इंग्लिश का कोर्स पड़ेगा 5,000 का, पेपर वन पेपर टू का कॉम्बो बैच पड़ेगा 5,000 का, ये प्राइस पड़ेगा। कोड मेरा डिस्काउंट के लिए लग जाएगा Y542, ठीक है। कोड मैं आपको एक बार क्लास के एंड में लगा के भी दिखा दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए आप डिस्काउंट किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। तो ये बैच की जो बिगिनिंग है, ये एंड फेब से हो जाएगी। तो जितने भी लोग जून वाले अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये बैच रहेगा, ठीक है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश इन इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश इन इंडिया, सबसे पहले तो देख लेते हैं इसकी वेटेज क्या रहती है। कहने को ही अपने आप में एक पूरी की पूरी यूनिट है, पर मैंने किसी भी एग्जाम में इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देखे हैं, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने इसमें देखा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्टार्टिंग से, जब भी मैं अपने स्टूडेंट से स्ट्रैटेजी डिस्कस करती हूँ सिलेबस के रिगार्डिंग, बात हमेशा एक ही रहती है उसमें कि देखो, नेट का जो एग्ज़ाम है, कहने को हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, पर 10 की 10 यूनिट्स में पेपर में किस तरीके की वेटेज आ रही है, ये बहुत ही डिफरेंट है। ये बहुत ही डिफरेंट मैटर है कि आपकी वेटेज जो है क्या बन रही है। तो कई यूनिट्स हैं, जैसे कि रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज, इंग्लिश इन इंडिया, ऐसी यूनिट्स में से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान ने बिल्कुल लास्ट मिनट अपनी तैयारी शुरू की है, तो मैं उनको ये तो नहीं बोलूँगी कि इसको छोड़ दो, क्योंकि भाई अगर आप 2 घंटा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 घंटा 4 घंटा भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपकी तैयारी ऐसी हो जाती है कि उसके बाद आप इसके 2 से 4 क्वेश्चंस भी आंसर कर पा रहे हो, तो उससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो मेरे हिसाब से आप जो है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपकी मार्क्स उठाने की। 2 से 4 क्वेश्चन, अगर हम मान लें एवरेज 2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसमें से, तो यानी कि आपके 4 मार्क्स हो गए। काफ़ी अच्छा खासा मार्क है ये, काफ़ी आपको मेक या ब्रेक द डील कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें ज़्यादा टाइम ना भी इन्वेस्ट करो, आप एक दिन भी पूरा इन्वेस्ट कर दो सिर्फ इस टॉपिक के लिए, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बाद में इसकी एक बार रिविजन ले लेना, एक बार कोई मॉक टेस्ट अटेंड कर लेना, आपका ये पूरा का पूरा यूनिट सॉर्टेड है। बस इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून डियरेस्ट लर्नर्स, कैसे हैं सब लोग? हेलो, हाई एवरीबडी, जय सिंह, मनीष, रियासत, कोमल, रीना, खतीजा, कुसुम, रीना, करीना, कैसे हैं भाई सब लोग? बिल्कुल, चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है यूनिट स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर कवरिंग हियर इज अर्ली हिस्ट्री, थोड़ा सा बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग। ये कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो मुझे अलग से बताना पड़े, आप सबको अंडरस्टैंडिंग है इसकी, कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की, तो उन्होंने रियलाइज किया कि द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग मैन पावर फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया वॉज वेरी हाई। सो दे थॉट इट वॉज रादर बेटर दैट वी शुड, यू नो, दैट दे शुड, यू नो, ट्रेन the further newer generations of Indians into speaking English. The idea was to make us their clerks. हमें अपना clerks बनाना चाहते थे, हमसे अपने प्यून्स वाले काम ये लोग जो हैं करवाना चाहते थे, ठीक है। उसके लिए जो है इन्होंने सोचा कि चलो इंडिया में हम लोग एक इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड को जो है क्रिएट करते हैं। वो इनको नहीं पता था कि कल को आने वाले टाइम में ये बात उन पे ही उल्टा भारी पड़ जाएगी, कि कैसे इंडियंस जो हैं इस टूल को अपना वेपन बना के इंग्लिश के, ब्रिटिश के अगेंस्ट ही यूज़ करेंगे। ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंडिया में 1600 में, ठीक है, बाय द चार्टर एक्ट, कंपनी चार्टर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर के थ्रू इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी, जिसको कि साइन किया था खुद द ग्रेटेस्ट क्वीन, द ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने, ठीक है। उस ड्यूरिंग जब ये लोग आए थे, ठीक है, पर्शियन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब आके यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडिंग राइट्स, कॉमर्स राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स ऑलरेडी मुगल रूलर्स से ले लिए थे, उसके बावजूद भी इंग्लिश अभी तक जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनी थी। पर्शियन स्टिल रिमेन्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नाउ द कंपनी नीडेड,
ऑफिस यू नो ऑफिस क्लर्क्स दे नीडेड प्यून्स, तो फिर उन्होंने सोचा कि हमें कैसी जो है ब्रीड को यू नो बढ़ावा देना है जो इंग्लिश सीखेगी. तो उस टाइम पे ना इनका मिशनरी वर्क काफ़ी चल रहा था, इन लोगों का मिशनरी वर्क चलता था. मिशनरी वर्क मतलब बेसिकली इनका मिशन था सबको क्रिश्चनाइज करने का. तो ये पूरी क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में ऐसी फैली है कि जो मिशनरीज हैं उन्होंने जगह जगह जा जा के लोगों को कन्वर्ट किया था. तो सबसे पहला जो इन्होंने स्टेप लिया था वो यही लिया था कि आप ऑलरेडी एक इंसान जो एडोलेसेंट है या बड़ा हो चुका है उसको एक नई लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज सिखाना मुश्किल होगा, क्यों ना हम छोटे बच्चों से ही शुरू करें. तो सबसे पहले मिशनरी स्कूल्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, मिशनरी स्कूल्स को जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था. और सबसे ज़्यादा जो ये शुरू हुए थे ये हुए थे उन तीन सिटीज़ में जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तीन मेन हेडक्वार्टर्स थे, बॉम्बे, कैलकटा एंड मैड्रास. ठीक है, यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स जो है इनिशियली इस्टेब्लिश्ड हुए. इनका पर्पस क्या था कि इनको जो है स्पॉन्सरिंग सारी बाहर से मिल रही थी, इंग्लैंड से ही मिल रही थी. यहाँ आगे ये छोटे छोटे बच्चों को कम से कम फीस में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे. ऑफकोर्स अभी भी जो है मदर टंग पे फोकस था, मदर टंग पे फोकस था, ओरिएंटल एजुकेशन थी, ताकि एकदम से जो है वहाँ के लोकल एजुकेशनिस्ट को ये ना लगे कि भाई एकदम से आते इन्होंने हमारे लोगों को हड़प लिया है. लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने जो है उनको इंग्लिश जो है पढ़ानी शुरू की और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस किया. फिर आता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ये अपने आप में एक आई थिंक यूजीसी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ये आने वाले मैंने कई प्रैक्टिस पेपर सैम्पल पेपर्स में इस क्वेश्चन की रेपिटेशन देखी है जिसमें आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये बताओ कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन फॉर्मली इस्टेब्लिश किस एक्ट से हुई थी, कौन से लेजिस्लेटिव एक्ट से हुई थी. सो इट वॉज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. इट इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशन एज अ मेन प्रोविजन इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी. इसमें कंपनी जब 1813 तक आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था. एज वी एंटर इन टू द 19th century, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इट वॉज नो लॉन्गर अ ट्रेडिंग कंपनी, नाउ इट हैड स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया. सो सर्टन लेजिस्लेटिव एक्ट्स वर पास that were meant to, you know, bring about administrative reforms in India. One of them was the Charter Act of 1813, जिसमें special provision दिया गया था कि 1 lakh rupees, 1 lakh rupees का sum annually जो है वो invest किया जाएगा in the promotion of Western education in India, जिसमें कि खासकर जो focus है वो literature पे होगा, philosophy पे, Western philosophy पे होगा, and the encouragement of learned natives of India. तो इसके तहत उन्होंने एक जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को एस्टैब्लिश किया था कैलकटा में 1813 में. वेरी इंपॉर्टेंट, 1813 में कैलकटा में अ जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिश की गई थी जो कि इस लॉ को, ताकि ये जो हमारा एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी इनका डिसेमिनेशन है उसको स्मूथली जो है रन किया जा सके. इसमें उस टाइम पे मेनली इंडियन मेंबर्स ही थे, ठीक है. अगेन मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इन्होंने बहुत ही स्मार्टली ये सारी गेम खेली थी ब्रिटिश ने. ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है दे मेड श्योर कि आते ही हम इस तरीके से धावा ना बोल दें लोगों पे कि उनको लगे कि ये तो आते ही हम पे अटैक करने को हो रहे हैं, रूल करने को हो रहे हैं. तो ये सब बहुत ही ना स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली इन्होंने जो है सीपिन किया था. सो द आइडिया वॉज कि क्लासिकल एजुकेशन पे इनिशियली फोकस जो है दिया जाए, क्लासिकल एजुकेशन पढ़ाई जाए ताकि लोग अट्रैक्ट हों इनकी इन पॉलिसीज के तरफ. लेकिन धीरे धीरे करके जो है इन्होंने, जैसे कहते हैं ना स्लो पॉइजन की तरह, इंडिया में इन्होंने इंग्लिश को एक स्लो पॉइजन की तरह इंट्रोड्यूस किया था. कहने को ऊपर से जो इन्होंने एक फसाद क्रिएट किया था कि हम आपको क्लासिकल एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने जो है इंग्लिश बीच में डिसेमिनेट करनी शुरू कर दी थी. इसी के तहत कैलकटा में सबसे पहले इंडिया की फर्स्ट इंग्लिश डिसेमिनेटिंग वेस्टर्न एजुकेशन ओरिएंटेड कॉलेज का भी जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका कि नाम था हिंदू कॉलेज. ठीक है, हिंदू कॉलेज के नाम से कैलकटा में 1817 में पहला ऐसा कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ. ठीक है, आज की तारीख में हम इसको प्रेसिडेंसी के नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाते हैं. आज भी ये कैलकटा में है. ठीक है, तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किन किन ने की, इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स और इंडियन एजुकेशनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट में इन्वॉल्व थे. ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव, डेविड हेयर, सर एडवर्ड हाइड ईस्ट, बैद्यनाथ मुखोपाध्याय एंड रामजी दत्त. ठीक है, तो आप लोग चाहे इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है, ये नेम्स आपके जो है दिमाग में रहने चाहिए. यहाँ पे जो है इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था
इन द करिकुलम अलॉन्ग विद सर्टन अदर यूरोपियन क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक एंड लैटिन. तो मतलब इन्होंने क्या बोला कि ठीक है हम आपको आपकी संस्कृत आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है ये आपको सिखा देंगे, पर्शियन आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है चलो ये आपको सिखा देंगे, पर साथ साथ हम आपको अपनी क्लासिकल लैंग्वेजेस भी बताएंगे. आपके पास ऑप्शन है, आपने पढ़ना है तो पढ़ लो. तो जब इस तरीके की फॉरेन लैंग्वेजेस, मतलब एक होता है ना जो आप जिस कंट्री में रूल कर रहे हो वहाँ का जो एक नेटिव है वो आपको देख के जो है वो आपको सॉर्ट ऑफ पेडेस्टलाइज करता है, वो आपको देख के जो है सोचता है कि यार मुझे इस जैसा बनना है ना, मुझे एक अंग्रेजी बाबू बनना है. तो जब यंग स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन आया कि आप ग्रीक भी पढ़ सकते हो लैटिन भी पढ़ सकते हो, ऑफ कोर्स उन लोगों का जो एक वाइट मैन चार्म था वो यहाँ पे वर्क कर रहा था, तो लोगों ने ग्रीक लैटिन अपनी मर्जी से वॉलंटरीली कॉन्शियसली जो है चूज करनी शुरू कर दी थी. बहुत ही फेमस ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट का, इस पॉइंट पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि 1824 में कौन से इंडियन सोशल रिफॉर्मर ने जो है लॉर्ड एम्बरहेस्ट को जो है एक लेटर भेजा था फॉर द प्रमोशन ऑफ लिबरल एजुकेशन इन इंडिया, दैट वाज राजा राम मोहन रॉय. तो राजा राम मोहन रॉय रोट अ लेटर टू द देन वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड एम्बरहेस्ट टू हेल्प प्रमोट ब्रिटिश लिटरेचर इन इंडिया फॉर देयर लिबरल डिवेलपमेंट. अब देखिए अगेन मैं आपको बता रही हूँ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय एटसेट्रा वॉट दे वर ट्राइंग टू डू इज दैट वाइल बींग इन इंडिया वाइल बींग एजुकेटेड इन दिस यू नो European curriculum, they were seeking to bring about certain socio-political changes in India. They were aware of the social problems that India was dealing with and they wanted to do away with it. To us regarding inko laga ki English education, English medium education aur European philosophy ek bahut acha tool ban sakta hai hamare liye jiske through hum logon ke andar jo hai thodi si sensibility dal sakte hain aur Indian social evils ke sath do away kar sakte hain. To Raja Ram Mohan Roy jo hain iske bahut zyada pro थे. लेकिन अभी तक भी जो अप्रोच है इंडिया में एजुकेशन की वो ओरिएंटल ही रही, लाइक आई सेड स्लो पॉइजन की तरह जो है इन्होंने इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था. गुरप्रीत मैं पेपर वन नहीं पढ़ाऊंगी, पेपर वन के लिए हमारे पास अंशिका मैम है, रजत सर हैं, अभिषेक सर हैं, वी माइट हैव अ कपल ऑफ न्यू फैकल्टीज अदर फैकल्टीज एज वेल, जीवेश सर हैं. So these new people are there, other people are there. My forte is English literature paper 2, so that is what I teach. करीना हाँ कोशिश तो मेरी यही है कि आज एक क्लास में आपका ये पूरा टॉपिक ही मैं इसको कवर कर दूँ. थैंक यू गुरप्रीत, थैंक यू, सो सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच. हाँ जी इंग्लिश नेट पेपर का सिलेबस, हाँ जी मुतमैना आप टाइप कर लो ना ऐश्वर्यापुरी यूजीसी नेट इंग्लिश सिलेबस, आपको कोई ना कोई मेरी वीडियो मिल जाएगी, मैंने की हुई है, इसी पेज पे मैंने पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है यूनिट बाय यूनिट, सो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट वीडियो. ठीक है अप्रोच अभी तक ओरिएंटल ही थी, ये सारी गेम चेंज होती है फिर मैकॉलेज मिनट से. पूरी जो गेम चेंज है जहाँ पे पहली बार किसी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने आके ऑफिसर ने आके ये कह दिया कि भाई हमें तो ओरिएंटल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, हमें तो जो है अब वेस्टर्न अप्रोच के साथ ही इंडिया में एजुकेशन को डील करना पड़ेगा, वो थे लॉर्ड मैकॉले. लॉर्ड मैकॉले सबसे पहले इंडिया में आए थे 1834 में एज ए लीगल एडवाइजर टू द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक. विलियम बेंटिक के लीगल एडवाइजर जो है ये बन के आए थे और उन्होंने आते ही बोला कि भाई ये जो ओरिएंटल अप्रोच से आप पढ़ा रहे हो, संस्कृत पर्शियन पढ़ा रहे हो लोगों को, उनको उनकी मदर टंग में पढ़ा रहे हो, इसको साइड में हटाओ, इंग्लिश को 100% मीडियम बना दो इंडिया में एजुकेशन का, वेस्टर्न फिलॉसफी को प्रमोट करो और जो भी अभी तक फंडिंग जा रही है ओरिएंटल एजुकेशन में या फिर ओरिएंटल स्कॉलरली बुक्स की पब्लिकेशंस में वो सारी फंडिंग को रोक दो, तो सारी फंडिंग को पूरी की पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दो वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन की तरफ. ठीक है इनका ही सबसे पहले सजेशन था दैट पर्शियन शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. इन्होंने कहा जो मीडियम है ऑफ एजुकेशन इन इंडिया उसको 100% जो है इंग्लिश कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडिंग है वो मिशनरी स्कूल और कॉलेजेस के प्रमोशन में डाली जाए और मिडिल स्कूल से, ठीक है यानी फ्रॉम फिफ्थ स्टैंडर्ड मिडिल स्कूल से आपको बच्चों को जो है कंपल्सरी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है लेना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी स्कूल हो, चाहे वो आपका कोई लोकल गुरुकुल है, कोई ओरिएंटल स्कूल है या कोई मिशनरी स्कूल है, वहां पे फिफ्थ स्टैंडर्ड से कंपल्सरी इंग्लिश सब्जेक्ट आप लगा दो ताकि इंग्लिश हर बच्चा जो इंडिया का बड़ा हो रहा है वो इंग्लिश ही पढ़े. इन्होंने साथ ही साथ इस बात पे भी फोकस लाया था कि टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए. उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली क्या है कि बच्चा जो है टीचर को देख के सीखेगा, तो आप जो है
जो सेकेंड जनरेशन आपके इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस हैं उनको एम्प्लॉय करो, या फिर उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से करवाओ कि वो जो कमिंग जनरेशन हैं उनको अच्छी इंग्लिश सिखा सकें। तो लॉर्ड मैकॉले के ये सजेशंस को जब टेकअप किया गया, मैकॉले's मिनट्स के सजेशंस को जब टेकअप किया गया, उसके बाद इंडिया में एक सडन आउटबर्स्ट आ जाता है, सडन सर्ज आ जाता है ऑफ मिशनरी स्कूल्स, और इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश में होने लग जाती है, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस, इसमें जो है सोशल स्टडीज, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंग्लिश मीडियम को प्रमोशन मिला। लेकिन इसके ऊपर फिर कंट्रोवर्सी आ जाती है, कंट्रोवर्सी ये आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग जो है अब क्योंकि मिशनरी स्कूल्स को या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जैसे ही मिलने लगी, तो जो ओरिएंटल स्कूल के लीडर्स थे, स्कॉलर्स थे, ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया मैकॉले के मिनट्स के अगेंस्ट, ठीक है, बेंटिक की पॉलिसी के अगेंस्ट। तो बेंटिक ने उनको काम करने की कोशिश की लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। अल्टीमेटली लॉर्ड बेंटिक का टेन्योर ओवर हो गया एंड ही वॉज रिप्लेस बाय लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो थोड़े से सिंपथेटिक थे टुवर्ड्स द यू नो डिमांड्स ऑफ द ओरिएंटलिस्ट एंड द इंडियन स्कॉलर्स। 1840 में उन्होंने जो है फिर इसका रेजोल्यूशन दिया, उन्होंने कहा द कंबाइंड ग्रांट ऑन एजुकेशन विल फर्स्ट मेक प्रोविजंस फॉर ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने बोला ठीक है, अभी तक हम जो है साल का 100,000 रुपीस जो है इंडिया में एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो ये फंडिंग जब निकलती है तो उसमें से जो पहला मेजर चंक है वो ओरिएंटल स्कूल्स, ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ओरिएंटल कॉलेजेस को जाएगा। वंस दे आर सेटिस्फाइड, जो बचा कुचा है वो फिर हम जो है उससे हम प्रोविजंस बनाएंगे फॉर इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। दूसरा उन्होंने इसमें बात मुद्दा उठाया था, वो कह रहे हैं 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स इन ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस वुड बी ऑफर्ड स्कॉलरशिप्स, कि आपके जो स्कूल में मान लो 100 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें से 25 बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे, स्कॉलरशिप पे पढ़ाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अट्रैक्शन आपके स्कूल में हो ना कि हमारे स्कूल में। स्पेशल फंड्स को सेट असाइड किया जाएगा टू प्रमोट रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, ठीक है, इन ओरिएंटल मीडियम। ठीक है, अभी तक जो है लॉर्ड मैकॉले ने क्या कहा था कि जितने भी फंडिंग्स ओरिएंटल एजुकेशन और ओरिएंटल मीडियम में जा रही हैं उन सबको रोक दो। इन्होंने लॉर्ड ऑकलैंड ने आके बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम फंड्स भी आपके लिए सेट असाइड कर देंगे। ठीक है, ऑल दो इससे एक बार के लिए ओरिएंटल स्कॉलर शांत ज़रूर हो गए, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी अभी भी जो है ओवरऑल लेवल पे देखो बदली नहीं। फोकस इनका अभी भी था कि हम जो है इंग्लिश को प्राइमरी लेवल से ही इंग्लिश मीडियम बना दें। लॉर्ड मैकॉले ने क्या बोला था कि मीडियम जो आपका 5th स्टैंडर्ड है ना, वहाँ से जो है हम आपकी जो एजुकेशन है उसको इंग्लिश मीडियम में करेंगे। लेकिन अभी भी ये जो ओवरऑल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी बात पे एडमेंट थी कि अब तो आप मिडिल स्कूल क्या, हम प्राइमरी स्कूल से ही फोकस जो है वो इंग्लिश एजुकेशन पे ले आएंगे। फिर आता है 1854 का वुड्स डिस्पैच। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, मुझे कई लोग बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है मैम, या इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री है, या इंग्लिश का कोई ऐसा टॉपिक है जो हिस्टोरिकली चल रहा है, टाइमलाइन में चल रहा है, उसको लर्न करना मुश्किल है, डेट्स हैं, ये है वो है। मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि ऐसे टॉपिक्स को हमेशा एक फ्लो में पढ़ो, उसी में फ़ायदा रहेगा, उसी को आप लॉन्ग टर्म याद भी कर पाओगे। फिर चाहे वो इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री ही क्यों ना हो, उसका रीज़न ये है बिकॉज पूरी हिस्ट्री को आप एक एक्शन रिएक्शन फॉर्मेट में स्टडी कर सकते हो। तो व्हेन यू डू थिंग्स यू नो इन एन एक्शन रिएक्शन थियरी, योर ब्रेन विल मेक सेंस ऑफ इट, तब आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको चीज को समझ के पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली दैट थिंग मेक्स मोर सेंस इन योर हेड। सो दैट इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स फॉर यू। सो ये चीजें भी अगर आप फ्लो में करोगे तो आप इसको लंबे समय तक जो है याद कर पाओगे। हाँ जी मैम, मेरे को आपके जून वाले टारगेट बैच लेना और स्टडी मटीरियल के बारे में। हाँ जी हाँ जी शशि, तो क्या होता है सिस्टम, जो तो हमारा दो सिस्टम्स हैं, जो पेड क्लासेस में मैं जिस नोट से पढ़ाऊंगी आपको वो मैं हर क्लास में आपको उसका नोट प्रोवाइड करूंगी, वो प्रिंटेबल है, और मेनली स्टूडेंट्स से अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स में क्या है टेलीग्राम ग्रुप्स में वो सारे नोट्स साथ के साथ शेयर हो जाते हैं, तो वो भी आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगा, तो डेफिनेटली नोट्स जो हैं प्रिंट हो सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है उसके साथ पीडीएफ अटैच्ड होता है, वो प्रिंटेबल नहीं है, लेकिन प्रिंटेबल नोट्स आपको मैं दो तरीके से प्रोवाइड कर ही दूंगी। एक तो मैं क्लास में भी आपको दूंगी, हर क्लास के साथ वो नोट्स आपको मिलेंगे, दूसरा ग्रुप मिल जाएगा अगर बन जाएगा, अगर आप मान लो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, आप किसी दिन रिकॉर्डेड क्लास भी अटेंड कर रहे हो, तो नोट्स कम से कम आपके हाथ में होंगे, आप उनको प्रिंट करवा के जो है अपने पास रख सकते हो। ठीक है ना शशि, ये रहेगा सिस्टम। ओके हाँ जी, वुड्स डिस्पैच जो है
दिस इशू वॉज ऑफिशियली एंड स्ट्रॉन्गली एड्रेस्ड बाय चार्ल्स वुड. तो अब क्या करना है, ओरिएंटल्स को फोकस करना है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन पे फोकस करना है, क्या करना है, इस इशू को अल्टीमेटली जो है चार्ल्स वुड ने टेकअप किया. चार्ल्स वुड कौन थे, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ काउंसिल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है प्रेजिडेंट थे. हिज पॉलिसीज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ऑल्सो UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी आपका नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. हिज पॉलिसीज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा. इनका एम था टू पॉपुलराइज वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न आर्ट्स, वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस इन इंडिया. इनका फोकस था 100%, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस था इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करना. तो इवेंचुअली वो एक ऐसे बंदे को लेकर आए, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे ऑफिसर को उन्होंने जो है इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की, जो खुद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट को शेयर करता था, उनके साथ सिंपथाइज करता था. सो वुड, चार्ल्स वुड वॉज वन ऑफ देम. तो अल्टीमेटली इनके कहने पे जो है उन्होंने कहा कि जैसे हमारे इंग्लैंड में एक सेंट्रल लंदन यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर कई सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं, तो ये अफिलिएशन का सिस्टम जो है हम शुरू कर देते हैं. आपके जो मेन सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ हमें पता ही है तीन है, जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स थे, बॉम्बे, कैलकटा, मैड्रास. उन्होंने बोला यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप कर देते हैं. तो कोई नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग जो रीजन्स हैं वहाँ के सभी कॉलेजेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जो है अफिलिएटेड हो जाएंगे. अफिलिएशन का सिस्टम आपको पता है कैसे वर्क करता है. सपोज मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70-80 कॉलेजेस आते हैं जो पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं. तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो सेंट्रली दिल्ली यूनिवर्सिटी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, रिजल्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही निकलेगा. आपको जो डिग्री मिलती है उस डिग्री के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है और नीचे फिर एक सेक्शन में कॉलेज का नाम, ठीक है. अदरवाइज जो है कॉलेज का नाम प्राइमरी फोकस नहीं है, प्राइमरी फोकस है कि आपकी जो डिग्री है वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिली है. आपको रोल नंबर एक सेंट्रल मिलता है, वो भी यूनिवर्सिटी का मिलता है, कॉलेज का आपको सेपरेट मिलता है, लेकिन कॉलेज का रोल नंबर सिर्फ आपके अटेंडेंस पर्पस के लिए होता है. आपकी जो सेंट्रल आइडेंटिफिकेशन है वो अभी भी आपकी यूनिवर्सिटी रोल नंबर से ही होती है. मतलब जो सारी रूल्स हैं, लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, रिजल्ट्स हैं, एग्जामिनेशन का कंडक्शन है, वो सब कुछ यूनिवर्सिटी कराएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी. उसके अंडर कई कॉलेजेस को अफिलिएट कर दिया जाएगा. इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे वर्क का लोड और बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, तो इनके लिए एक सेंट्रल सेनेट, ठीक है, या फिर एक पार्लियामेंट सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश करेंगे जिसके हेड पे होगा एक चांसलर. ये सारा मॉडल इन्होंने कहाँ से उठाया था, लंदन यूनिवर्सिटी से. इसके हेड पे होगा चांसलर, उसके नीचे बैठेगा एक वाइस चांसलर और उस कमिटी में बेसिकली जो होंगे आपके फेलोज, ठीक है. तो द यूनिवर्सिटीज वर टू ऑफर डिग्रीज टू द अफिलिएटेड कॉलेजेस. डिग्री जो है वो उन अफिलिएटेड कॉलेजेस को आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही देगी. स्कूल में भी इन्होंने डिफ्रेंसिएशन कहा, उन्होंने कहा स्कूल्स में भी हम अपने ब्रिटिश मॉडल की तरह एजुकेशन को ले आते हैं, तो हम ये प्राइमरी, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी, एलिमेंट्री, इस लेवल पे सिस्टम को कर देते हैं. स्कूल एजुकेशन शुड बी डिवाइडेड इन एलिमेंट्री, एलिमेंट्री स्कूल का सिस्टम कर देते हैं, ठीक है. जिसको हम पहले प्राइमरी बोल रहे हैं उन्होंने उनको एलिमेंट्री बोला, फिर उन्होंने बोला एक मिडिल स्कूल होगा और हाई स्कूल एजुकेशन होगी, ठीक है. हाई स्कूल एजुकेशन में ऑफकोर्स हम स्कॉलरशिप्स का प्रोविजन जो है रखेंगे. ही सजेस्टेड दैट प्रोविजनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड ऑफर ग्रांट्स एंड एड्स एट एवरी लेवल इन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है. अब से पहले जो है फोकस सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उनका फोकस था हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने का, कि हमें जो है एलिमेंट्री लेवल या मिडिल लेवल पे लोगों को स्कॉलरशिप देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन चार्ल्स वुड का कहना था कि अगर आपको इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करना है, इंडिया में एजुकेशन को बढ़ावा देना है, स्पेशली अपनी वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन को, तो हमें मास लेवल पे एनरोलमेंट चाहिए और उस एनरोलमेंट के लिए आपको हर लेवल पे स्कॉलरशिप्स ऑफर करनी पड़ेंगी ताकि लोगों के पास इंसेंटिव हो स्कूल्स को ज्वाइन करने का, तभी हम उन लोगों को अपनी फिलॉसफी पढ़ा पाएंगे. तो आप एक काम करो, जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ रहा है इस काम का, तो प्रोविंशियल मतलब बॉटम टू टॉप अप्रोच उन्होंने बेसिकली रखी थी, ठीक है, बॉटम टू टॉप, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पे जो है फंडिंग शुरू कर दे, जो कि एलिमेंट्री और मिडिल लेवल पे भी फंडिंग्स और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करे. हैवी फोकस वॉज ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है. टीचर की ट्रेनिंग की बात तो देखो मैकॉले के मिनट में भी हुई है, पर एक सवाल आपका अलग से अगर बने, अगर आपका ये पेपर में क्वेश्चन आए कि इन चारों में से कौन से ऑफिसर ने या इन चारों में से कौन से कमीशन के अंडर टीचर की ट्रेनिंग पे खासा फोकस था, तो याद रखना कि ये वुड्स डिस्पैच. आंसर आप लिखोगे फिर वुड्स डिस्पैच, नॉट मैकॉले मिनट,
उन्होंने जो है टीचर की ट्रेनिंग इसलिए बोला था क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स को लगा देंगे तो उससे हम इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस प्रोड्यूस कर पाएंगे। वुड्स डिस्पैच ने जो है अलग पर्सपेक्टिव, एक ज़्यादा होलसम और ज़्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव से ये बात कही थी। उन्होंने बेसिकली कहा था कि टीचर्स की ट्रेनिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल यू नो इंडियंस को क्रिएट करना है जो आने वाले टाइम में हमें हमारे काम में मदद करें। तो अच्छी एजुकेशन प्रमोट करने के लिए ज़रूरी आप अच्छे टीचर्स को लगाओ, अच्छे टीचर्स को लगाने हैं तो ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत है और उनको हैंडसम सैलरीज दो ताकि अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों का अटेंशन जो है वो टीचिंग जॉब की तरफ बढ़े। साथ ही साथ प्रोविजन ऑफ प्रमोशन ऑफ विमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, ये भी एक वाटरशेड मोमेंट था फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। हिस्टोरिक एक मोमेंट था जब वुड्स डिस्पैच में खास प्रोविजन जो है वो विमेन्स एजुकेशन पे भी डाला गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैग्ना कार्टा होता है इज लाइक द मेन मेन प्रपोजल, समथिंग दैट इज यू नो ऑफ द हाइएस्ट डिग्री, हाइएस्ट ग्रैंड। ठीक है, वुड्स डिस्पैच के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो है अबाउट हंटर्स कमीशन। हंटर्स कमीशन होता है 1882 में, इट वॉज कमीशनड ऑन 3 February 1882। ठीक है, प्रिसाइडेड बाय सर विलियम हंटर हु वॉज अ ब्रिटिश IAS ऑफिसर। ठीक है, हंटर्स कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट कौन से लॉर्ड ने की थी? लॉर्ड रिपॉन ने। ये बहुत सवाल आते हैं यार, कौन से पर्टिकुलर, किस डिस्पैच के साथ, किस कमीशन के साथ, कौन सा आपका जो है वाइसरॉय जुड़ा हुआ था या कौन सा गवर्नर जनरल जुड़ा हुआ था, ये सवाल आपके बहुत बनते हैं नेट में। तो ये थोड़ा सा रट्टे वाला पोर्शन है, रट्टाफिकेशन है, आई नो, पर मैंने वही आपको बोला है, आपने इसको बस इतना ही, इंग्लिश इन इंडिया यूनिट को आपने ऐसे ही टैकल करना है कि एक दिन पूरा बैठ के सिर्फ इंग्लिश इन इंडिया ही कवर करो। ठीक है, उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के एक दो घंटा में उसकी रिवीजन करके उसको साइड में रख लो, फिर पेपर से पहले जब फाइनल रिवीजन करोगे तो एक बार उसको तब पढ़ लो, इसी बीच इसका कोई मॉक टेस्ट वगैरह, कोई इसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लो, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए इस यूनिट को टैकल करने के लिए। ओके, हंटर कमीशन ने जो है फोकस प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पे लाए थे, तो ये अपने आप में एक सवाल बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस लेड डाउन इट्स फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो द आंसर वुड बी हंटर्स कमीशन। ठीक है, इनका फोकस था प्राइमरी एजुकेशन पे, इट ऑल्सो वॉज टू असेस, सॉरी नॉट एक्सेस, गलत लिखा है ये, इट ऑल्सो वॉज टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच। ये भी अपने आप में एक अलग से सवाल बन सकता है कि इसमें से कौन सा कमीशन है उसको सेटअप किया गया था वुड्स डिस्पैच की सक्सेस या नॉन सक्सेस को गेज करने के लिए, जज करने के लिए। सो द आंसर वुड बी हंटर्स कमीशन। इसने जो है ये रिकमेंडेशन दी, हंटर्स कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि क्योंकि प्राइमरी स्कूल जो है वो मतलब जगह जगह, मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक शहर में जो है मल्टीपल नंबर्स में होंगे, तो जो हमारी हायर जो गवर्नमेंट हमारी रूलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पाएगी, कुछ ना कुछ वो ओवरलुक कर जाएगी। उसके लिए जरूरत है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स हमने बनाए हैं, म्युनिसिपल बोर्ड्स बनाए हैं शहर में, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हमने क्रिएट की हैं, ठीक है ना, उनकी जिम्मेदारी लगा दो कि प्राइमरी एजुकेशन पे जो है फोकस करे, और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए प्राइवेट बॉडीज को एस्टैब्लिश कर दो जो कि इनकी मैनेजमेंट और स्कॉलरशिप्स पे ध्यान दे। एजुकेशन को डिवाइड कर दो लिटरेरी और एकेडमिक एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे जो कॉलेज से आपको डिग्री मिलती है BA MA BSc MSc की, ये हमारी लिटरेरी, सॉरी, हमारी एकेडमिक डिग्रीज होती हैं, है ना। उधर ही अगर आप सपोज IIT में जाते हो जो आपको BTech की डिग्री मिलती है, या फिर आप BDS करते हो, आप MBBS करते हो, ये सारी टेक्निकल या ITI में जाते हो आप कोई स्पेसिफिक डिग्री लेने, वो आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे भी सेग्रीगेशन करो, कुछ लोग जो हैं वो एकेडमिक डिग्रीज ही लेंगे, कुछ लोग जो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको स्पेसिफिक उस प्रोफेशन की जो है बहुत ही टारगेटेड अप्रोच के साथ उनको जो इसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो वो ट्रेनिंग है वो हम वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वर्नैक्युलर लैंग्वेज को जो है मीडियम बना दो, मिडिल इंग्लिश, मिडिल स्कूल लेवल का,
मिडिल स्कूल लेवल तक आप जो है बच्चों को अपनी मदर टंग में ही पढ़ाओ और उनको इंग्लिश सिखाने लग जाओ। मिडिल स्कूल से जो है आप फिर मीडियम को इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। हायर एजुकेशन में एज सच, मतलब हंटर्स कमीशन में हायर एजुकेशन के लिए कोई ऐसे कोई नए, कोई बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग नए लॉज नहीं आए थे। इसका जो फोकस है वो बेसिकली स्कूल एजुकेशन इन इंडिया पे ही रहा। फिर आती है 1901 की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो शिमला में ऑर्गेनाइज हुई थी, प्रिसाइडेड बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के अंडर इस कमिटी में एक इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया था इन 1902। इसको इट सैंक्शन 13.5 लाख रुपीज, ठीक है, एज एडिशनल ग्रांट फॉर आर्ट्स एंड लिबरल एजुकेशन कॉलेजेस इन इंडिया। इन्होंने कहा कि इंग्लिश शुडंट बी इंट्रोड्यूस बिफोर 13 ईयर्स, वही मिडिल स्कूल वाली बात, ठीक है, टिल हाई स्कूल मीडियम नेटिव मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी कैरिड ऑन। इन्होंने कहा कि मिडिल स्कूल भी हटा दो, आप हायर एजुकेशन, जब हाई स्कूल जो होता है आपका 8th से 10th वाली जो एजुकेशन है उसमें जो है आप बेसिकली इंग्लिश को एज अ मीडियम इंट्रोड्यूस करना, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दो, हायर गवर्नमेंट उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट ना करे। और इसी के तहत जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को जो है पास किया गया था इन द ईयर 1904, ठीक है ना। फिर आता है 1917 का द सैडलर कमीशन। फिर आता है 1917 का सैडलर कमीशन। सैडलर वॉज इन्वाइटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑस्टिन चेंबरलेन। ऑस्टिन चेंबरलेन ने सैडलर को इंडिया में जो है इन्वाइट किया था। इट वॉज अपॉइंटेड टू स्टडी द कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, हाउएवर इट्स ट्रू स्कोप वॉज नेशन वाइड। बुलाया गया था सैडलर को ताकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा की फंक्शनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज को जो है असेस या रीअसेस किया जाए, लेकिन उन्होंने काम करते करते जो है पूरे इंडिया की एजुकेशन को छान दिया था, ठीक है। ये जो है सैडलर कमीशन, ये इसका नाम पड़ा था डॉक्टर माइकल ई सैडलर के नाम से, हु वाज द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वाइस चांसलर थे। इनको इंडिया में है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा को जज करने के लिए, असेस करने के लिए बुलाया था, पर इन्होंने काम काफी ज्यादा लंबा कर दिया। इतनी बड़ी रिपोर्ट बना दी, 13 वॉल्यूम्स की रिपोर्ट इन्होंने जो है उठा के दे दी। इस कमीशन के बाकी के मेंबर जो है उनके नाम मैंने यहां मेंशन किए हुए हैं, डॉक्टर ग्रेगरी, प्रोफेसर रामजी मुईर, सर हार्टॉग, डॉक्टर हॉर्नियल, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद एंड सर आशुतोष मुखर्जी। ये सब इंडियन स्कॉलर्स थे, एकेडमिक्स थे, ठीक है, एजुकेशनिस्ट थे। इनको भी जो है इस कमिटी में, इस कमीशन में डाला गया। फिर आता है द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी 1937 में अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, हमारी इंडिपेंडेंस से बिल्कुल एक डेकेड पहले, 10 साल पहले। इसमें इन्होंने जो है नई तालीम या बेसिक एजुकेशन पे जो है फोकस किया था, ठीक है, नई तालीम जो इन्होंने जो कहा वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया में वो उसको हम नई तालीम के नाम से भी जानते हैं या बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 years ऑफ एज इन मदर टंग, कि एक तो हर 6 साल का बच्चा, ठीक है, यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो, 6 साल तक का बच्चा स्कूल में पहुंच जाए, और 6 से 14 साल की उम्र तक का जो बच्चा है यानी कि जो हाई स्कूल तक पहुंच जाएगा उसको उसकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए ताकि उसका कंफर्ट लेवल जो है उसमें डेवलप हो सके, ठीक है। गांधी का फोकस था कि इंग्लिश पे फोकस ना रहे, हम अपनी मदर टंग पे, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस पे आ जाएं, और प्राइमरी एजुकेशन पे हाई फोकस था नई तालीम में, कि आप एक छोटे बच्चे को जो है जो ट्रेनिंग दे दोगे बड़े होते होते वो उसी को जो है अडॉप्ट इवेंचुअली कर लेगा। फिर मुडालियर के अंडर आता है 1952 का सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने जो है बेसिकली 3 language formula प्रपोज किया था, ठीक है, 3 language formula। इसके अंडर उन्होंने कहा था कि मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ एजुकेशन टिल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन तक आप बच्चे को जो है मदर टंग में पढ़ाओ। इंग्लिश एंड हिंदी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द मिडिल स्कूल। आप फिर उनको कंपल्सरी या तो इंग्लिश या हिंदी या दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन बना के इनको मिडिल स्कूल के एंड में दे दो। एट हायर लेवल 1 vernacular language एंड 1 other language शुड बी
टॉट, ठीक है। तो जो भी उनकी वर्नैक्युलर लोकल मदर लैंग्वेज है वो तो पढ़ाते ही चलो, लेकिन साथ साथ इंग्लिश और हिंदी कोई एक और साथ में लैंग्वेज उनको साथ में पढ़ाई जानी चाहिए। इसका जो फोकस था, मतलब इंग्लिश को आप सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे ही आप इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करो, उससे पहले जो है धीरे धीरे करके इनको इंग्लिश पढ़ाते चले जाओ, लेकिन फोकस जो है मदर टंग पे रखो। तो इसके अंदर जो है लैंग्वेज एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पास हुआ, इसके तहत इनकी जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे लैंग्वेज एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पास होता है 1963 में, जिसके तहत हिंदी शुड बी, हिंदी वॉज टू बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि हिंदी को आपने एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह डिक्लेयर कर दिया, इंग्लिश को बना दिया आपने एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, एंड रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी ऑफिशियलाइज इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आज भी कहीं ना कहीं इस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हम दो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इंग्लिश एंड हिंदी, ये दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और जो भी अपनी स्टेट्स हैं वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज हैं उसमें भी लॉज पास करती हैं। ये अल्टीमेटली लीड करता है टू द कोठारी कमीशन ऑफ 1964-1966। कोठारी कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, वुड्स डिस्पैच, हंटर्स कमीशन, कोठारी कमीशन, नई तालीम, वर्धा कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कोठारी कमीशन है इसने जो है थ्री लैंग्वेज मॉडल को मॉडिफाई कर दिया था इंडिया में। इन्होंने कहा था इंडिया में जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसको तीन लेवल पे लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, एक तो जो है उसकी मदर टंग यानी जो भी उसकी वर्नैक्युलर लैंग्वेज है ये उसको पढ़ाया जाएगा, दूसरा है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, दो ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब एक तो ऑफिशियल हिंदी हो गई, एक एसोसिएट ऑफिशियल इंग्लिश, ये भी उनको जो है एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, साथ ही साथ एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज जो है उनको साथ साथ पढ़ाई जाएगी। मतलब इंग्लिश और हिंदी को तो आपने एक यू नो जनरल ग्रामेटिकल लेवल पे बच्चों को सिखाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है या तो आप कोई एक मॉडर्न इंडियन कोई और लैंग्वेज उठा लो, ठीक है, संस्कृत हो गई, साथ में पर्शियन हो गई, उर्दू लाइक दैट, ठीक है, या फिर आपने साथ में इंग्लिश को एक एकेडमिक कोर्स की तरह, एक एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह जोड़ दिया जिसमें आप लिटरेचर वगैरह पढ़ा रहे हो इस तरीके से, ठीक है। इन्होंने फिर क्या बोला, क्लास 1-4 यानी प्राइमरी लेवल पे आप मदर टंग पे फोकस रखो, फिर मिडिल स्कूल में 5th to 8th में आप मदर टंग के साथ जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज दे दो, तो बच्चे को ऑप्शन दे दो या तो वो हिंदी पढ़ ले या फिर वो इंग्लिश पढ़ ले। फिर जो आपका हायर एजुकेशन वाला बच्चा है 8th to 10th वाला, ठीक है, वो जो है सॉरी हाई स्कूल वाला बच्चा, उसको 3 कंपल्सरी लैंग्वेजेस पढ़नी है ये वाली, ठीक है। तो एक आपने सपोज मदर टंग, जैसे पंजाब का कोई बच्चा था तो वो एक पंजाबी पढ़ रहा था, हिंदी और इंग्लिश में से वो चूज कर सकता था, मान लो उसने हिंदी चूज कर ली और इंग्लिश फिर आप उसको पढ़ा ही रहे हो एक मॉडर्न लैंग्वेज की तरह। तो इस तरीके से आपको लोकल लेवल पे पढ़ाया जाएगा। कई स्कूल्स में जैसे आज भी ये सिस्टम फॉलो होता है कि आपको हिंदी और संस्कृत में से ऑप्शन मिल जाता है, कई लोगों ने अपनी 10th हिंदी में पास की होती है, कईयों ने संस्कृत में पास की होती है, साथ में आपको अपनी एक वर्नैक्युलर लैंग्वेज चूज करने को मिल जाता है। इंग्लिश ऑलमोस्ट इंडिया में आज के टाइम पे कंपलसरी लेवल पे पढ़ाई जा रही है। तो ऑलमोस्ट यही कोठारी कमीशन का जो मॉडल है कहीं ना कहीं इंडिया में आज भी उसी को जो है फॉलो किया जा रहा है। 11th और 12th में आते आते एनी टू ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस, तो मान लो आपने पंजाबी का मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि आपने स्कूल लेवल तक जो है 10th तक हिंदी एज योर ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ ली, पंजाबी एज योर वर्नैक्युलर लैंग्वेज पढ़ ली और इंग्लिश एज योर मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ ली। तो जब आप प्लस टू में, प्लस वन प्लस टू में जाओगे 11th 12th में, या फिर आप जो जिसको मिडिल स्कूल सॉरी इंटरमीडिएट भी बोलते थे उस टाइम पे, तो उसमें जो है आप इन तीनों में से कोई दो लैंग्वेजेस जो है उनको चूज कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, लाइव क्लास नहीं चल रही है। हाँ जी हाँ जी, आज तो लगता है पूरा हायर एजुकेशन हम एक क्लास में कवर कर लेंगे। तृप्ति, हेलो, वेलकम टू द क्लास, आप पहली बार आई हैं मेरी लाइव क्लास में, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। हाँ जी, ठीक है। तो ये इस तरीके से कोठारी कमीशन वाला जो सिस्टम है इंडिया में कहीं ना कहीं आज भी जो है यही फॉलो हो रहा है, और ये था सारा का सारा हमारा इंग्लिश इन इंडिया का। फ्यू, मुझे लगा तो थोड़ा स्लो पेस पे चलेगा, एक्चुअली मैं क्वेश्चंस भी कुछ जोड़ सकती थी, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती, पर चलो कोई बात नहीं। ये हमारा इंग्लिश इन इंडिया पूरा मैंने यहाँ पे वाइंड अप कर दिया है फ्रॉम टुमारो, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद योर प्री वाई क्यू सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम रिवीजन शुरू कर देंगे यही टाइम पे 3 बजे। तो कल से आप लोग नेसेसरीली जो है कंपलसरीली मेरे साथ जुड़ जाना याद से, ठीक है। चलो भाई, कैसी लगी क्लास मुझे बता दो।
क्लास कैसी लगी फटाफट से बता दो, बढ़िया लगी, बढ़िया लगी तो लाइक कर दो, 50 प्लस लोग क्लास में लाइव हैं, लाइक सिर्फ 30 हैं, तो थोड़े लाइक ज़रा क्लास में बढ़ा दीजिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मुतमैना, एब्सोल्युटली मैम ऐप पर, हाँ मैंने भी देखा, इंग्लिश किट मुझे भी नहीं दिख रही थी, मैं अभी जाके उसको लाइव करवा देती हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि हो गया वो लाइव, पर शायद हुआ नहीं है, मैंने भी चेक किया था, पर कोई बात नहीं, मैं अभी करवा देती हूँ, ठीक है। देखिए मेरा जो नया बैच है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, दो तरीके से आप इसमें एनरोल बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो सिस्टम है कि अगर आपको सिर्फ ओनली इंग्लिश का पेपर टू लेना है, ये आपको डिस्काउंट के बाद पड़ेगा 4,000 रुपये का। अगर आप हमारा ये सिलेक्शन किट, कॉम्बो सिलेक्शन किट लेते हो, तो ये आपको जो है पड़ेगा 5,000 का। इसमें पेपर वन पेपर टू दोनों की तैयारी हो जाएगी, और आपको इसमें आपके टेस्ट सीरीज भी, ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाएगी, ये रहेगा इसमें सिस्टम, ठीक है। कोड लगेगा मेरा इसमें Y542। नोट्स आपको प्रिंटेबल मिल जाएंगे, नोट्स आपको प्रिंटेबल मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बता दूं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, कई लोगों को जैसे होता है कि टाइमिंग उनको सूट नहीं कर रही होती, उनको लगता है कि यार इस टाइम पे नहीं हम कर सकते हैं, या फिर हम जॉब करते हैं, या फिर कुछ और है, टाइमिंग की दिक्कत हो रही है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का ऑप्शन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप बना लेंगे अपना, नोट्स आपको वहाँ प्रिंटेबल मिल जाएंगे, मैं भी क्लास में जो आपको पढ़ाऊंगी वो भी प्रिंटेबल होगा। निधि आज आप काफ़ी लेट हो गई हैं, बिल्कुल हाँ जी ठीक है। इसकी वैलिडिटी जो है मुझे वैसे 1 साल की पता थी, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन देखा है 6 महीने की थी। आप एक काम, मैं आज इसको कन्फर्म करके ना कल की क्लास में आपको कन्फर्म बता देती हूँ, क्योंकि पुराने जो हमारे कोर्सेज हैं वैसे उसमें 1 ईयर की वैलिडिटी है, पर मैंने चेक किया था ऑनलाइन, मुझे 6 मंथ्स की दिखा रहा था नए वाले बैच में। मैं कंफर्म जरूर कर लूंगी कि वैलिडिटी आपको जो है 6 महीने की मिलेगी या 1 साल की मिलेगी, ये मैं आपको कंफर्म करवा देती हूं, ठीक है। कोड कैसे लगना है एक बार ये देख लो, डिस्काउंट कैसे लगेगा ये तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पास आपके पास ऑप्शन है, iOS में भी हमारी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड में भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है adda247.com, ठीक है, यहां पे आप वेबसाइट पे जाना, ठीक है, टॉप पे देखेंगे आपको ऑल कोर्सेज दिखेगा, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, नीचे ऑल कोर्सेज के नीचे चले जाना UGC पे, ठीक है, UGC के नेट, जो आपका UGC नेट जून अटेम्प्ट है उस पे खोलना, आपको मेरा इंग्लिश का बैच यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल इंग्लिश का बैच है इसका MRP है 18,000, पर ये पड़ेगा 4,000 का। कैसे? कूपन कोड एंटर, जब पेमेंट करने लगोगे तो कूपन कोड वाले पे क्लिक करना, यहाँ पे मेरा कोड लगा देना Y542, ठीक है। ये देखिए कोड लगाने के बाद आपको हमारी वेबसाइट पे 77% का डिस्काउंट लग जाएगा, और एप्लीकेशन पे 78% का डिस्काउंट। तो एप्लीकेशन पे आपको ये कोर्स ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप लोग जो है डेफिनेटली एप्लीकेशन के थ्रू ही कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है इसमें रहेगा, ओके। ये है कोर्स की डिटेल्स, फिर से बता देती हूँ, साथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन मिल रहा है आपको इसमें, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे मेरे, ठीक है, और यूट्यूब पे हम एक्स्ट्रा क्लासेस और प्रैक्टिस सेशंस जो हैं लेते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीबडी मेरे साथ बनने के लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और एक क्लास में आपका ये बहुत अच्छा सा टॉपिक जो है वो पूरा हो गया होगा। कल मिलूंगे आपको सेम टाइम सेम प्लेस, कल से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ज़्यादा बेटर होगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप लिंक भी शेयर करें, जो जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, आई एम श्योर उनको वो क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी रिविजन भी होती रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।